नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार। आप देख रहे हैं PRP न्यूज। चोरी व लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश। फलोदी पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश में हुई कार्रवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है, रिसेंटली 2024 में हमारा जो ध्येय रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के विरुद्ध स्पेशल कार्रवाई करी जाए, जिससे कि ये जो चोरी की वारदातें हैं, लूट की वारदातें हैं और लगातार जो ये मुजरिम अपना जो हौसला बुलंद करके अलग अलग जगहों पर चोरी और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं, तो इसके चलते IG सर के निर्देशन में, IG जोधपुर सर, विकास सर के निर्देशन में यहाँ पर एक अभियान चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम 7th Force दिया गया। इस ऑपरेशन में जिला की विशेष टीम रही, साथ की SIT की टीम रही, स्पेशल टीम उनके द्वारा गठित की गई। इसके अलावा साइक्लोनार सेल जो टेक्निकल लेवल पे इनपुट्स कलेक्ट करता है, इसके अलावा इस टीम में टॉर्नेडो टीम रही, स्ट्रॉन्ग टीम का गठन किया गया। इन सभी टीम्स के साथ मिल करके और IG सर के विशेष निर्देशन में CO साहब फलौदी को SIT का इंचार्ज बनाया गया, जिसके चलते जो अभी रिसेंट में लगातार वारदातें हुई, जिस तरह से सोलर पावर प्लांट्स में लगातार चोरियाँ हुई, उसका फलौदी पुलिस ने इन सभी टीम्स के साथ मिलकर के खुलासा किया है। इसमें कुल मिलाकर के जो हमने रिसेंटली अभी पकड़ा है, इसमें 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। इसमें ये सभी 8 मुलजिम ज़्यादातर किसी न किसी वारदात में पहले भी संलिप्त रहे हैं। इसमें जो मुख्य तौर पर इनका जो मुखिया रहा है शिव प्रताप, ये रामदेवरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत का रहने वाला है। इसके लगभग 20 के करीब पहले भी मुकदमे रहे हैं और वहाँ पर भी 10,000 रुपये का इनामी अपराधी रहा हुआ है। पहले भी ये पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागा हुआ है, लेकिन इस बारी फलौदी पुलिस जिला विशेष जो टीम थी और SIT जो पूरी टीम थी, उसने इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिससे कि कई सारी और भी वारदातों का खुलासा इसमें हुआ है। इसमें जो मुख्य तौर पर और आरोपी है, जैसे रईस करके एक आरोपी है, इसके भी पहले से 10 प्रकरण में ये जय ट्रायल चल रहा है। ये भी 0029 का एक सक्रिय सदस्य है। इसके अलावा मकसूद है, जिसके कि ऑलरेडी 6 प्रकरण जय ट्रायल चल रहे हैं। इनके और भी जो इनके साथी रहे हैं, रामस्वरूप है, विनोद है, रिजवान, आमिर, मोहम्मद शरीफ, इन सभी के खिलाफ में ज़्यादातर ये कहीं ना कहीं वारदातों में, इस प्रकार की चोरी और लूटपाट की वारदातों में संलिप्त रहे हैं। मेनली जो इनका मोटिव रहता था, वो यही रहता था कि एक साथ मिलकर के पिकअप में या कैंपर में जाकर के पहले ये रैकी करते थे, पहले ये सारा सामान वगैरह देख करके आते थे, कहाँ पर ज़्यादा महंगी चीज़ें आई हैं या इम्पोर्ट होकर के सामान आया है, उसके बाद में ये सब एक गैंग के तौर पर इकट्ठा होते थे। वहाँ पर जाकर के थोड़ा डराने के लिए जैसे हवाई फायरिंग कर दी और जाकर के रात में उसको लूट लिया या जो भी गार्ड वगैरह है उसको बंधक बना लिया, इस प्रकार से वारदात को अंजाम दे करके अपने अपने अलग अलग ठिकानों पर पहुँच जाते थे। थोड़े ही टाइम में ये जो गाड़ियाँ होती थी, ये बिल्कुल अलग अलग, किसी गाँव में एक गाड़ी चली गई, किसी गाँव में दूसरा पर्सन चला गया, ये इनकी मोटस ऑपरेंडी रहती थी, जिससे कि इनको पकड़ पाना थोड़ा सा टफ चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन हमारी पुलिस ने इस पर कामयाबी हासिल की है। लगभग जो अभी पिछले महीने मार्च में जो सोलर प्लांट में चोरी हुई थी, उससे पहले भी फरवरी में जो चोरी हुई थी, उन सब के चलते जो अभी बरामदगी है, लगभग 33 सोलर पावर प्लांट्स की हमने, सोलर प्लेटों की हमने बरामदगी करी है। इसमें कुछ गॉय वायर के रोल्स भी थे, कुछ टील कंडक्टर्स भी थे, कुछ विशेष धातु के जो पिलर्स बने होते हैं, टावर्स जो बने होते हैं, इस प्रकार का सामान भी था। और ये इसको चुरा करके फिर अलग अलग जगह पर आगे से आगे चेन बना करके इसको बेच डालते थे। बेच के अल्टीमेटली वो एक कबाड़ी वाले के पास जाती थी, जो इसको अलग अलग कस्टमर्स को तोड़ के या पीसेस में कट करके, या इस प्रकार का उसका मोटस ऑपरेंडी रहता था, ताकि इनका कहीं सुराग भी ना पता चल सके। तो इस पूरी टीम में मैं स्पेशली जो हमारी जो मुख्य भूमिका रही इस पूरी टीम में, हमारे साथ में जैसे आयुषी रहे, SIT के जो प्रभारी हैं, कन्हैया लाल जी सब इंस्पेक्टर हैं, प्रमेश जी सब इंस्पेक्टर हैं, प्रदीप हेड कांस्टेबल है जो हमारी DST टीम के इंचार्ज हैं,
कांस्टेबल झूमर राम, राकेश कुमार, जोगा राम, ये जो हमारे साइक्लोनार सेल के सिपाही हेड कांस्टेबल हैं, महेंद्र कुमार, महिपाल सिंह, कांस्टेबल अशोक कुमार, अशोक परिहार, ये सब मिलकर के इन सभी ने इस जो ये सक्रिय गैंग थी एक तरह से, और टोर्नेडो टीम ने मिलकर के इस पर हमने काफ़ी हद तक लगाम कसी है, और काफ़ी हद तक हमें उम्मीद है कि आगे भी और बरामद की है, और जो इनके साथी संगी है उस पर हमारी तफ्तीश अभी जारी है, तो आने वाले समय में हमें और भी उपलब्धि इसमें हासिल की बरामदगी हो चुकी है। लगभग 33 सोलर प्लेट्स बरामद हम कर चुके हैं, इसके अलावा 3 पिलर्स को बरामद किया है, उसके अलावा गॉय वायर के रोल्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो एक कंपनीज इंपोर्ट करती है अपने पर्पज़ में कंपनी में लगाने के लिए, इनको हमने बरामद किया है। इसके अलावा टील कंडक्टर्स हैं, 50 मीटर के 2 रोल हैं, वो हमने बरामद किए हैं इसमें।